नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर प्रवीण राणा, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बारे में। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है और इन्वेस्टिगेशन की पावर जो वो किस सेक्शन के तहत किस अधिकारी को मिलती है। तो सर्वप्रथम मैं अन्वेषण के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2H CRPC में डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया कि इस संहिता के अधीन साक्ष्यों को इकट्ठा करने के प्रयोजन के लिए पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया गया, अदर देन मैजिस्ट्रेट, जो भी कार्रवाई की जाती है उसे अन्वेषण कहा जाता है। इसी तरह अगर इंक्वायरी की बात करूँ, जाँच की बात करूँ, तो सेक्शन 2G में इसको डिफाइन किया गया है कि इंक्वायरी से तात्पर्य ट्रायल से भिन्न कोई भी की गई प्रोसीडिंग कार्रवाई, वो इंक्वायरी बताई गई है। अब मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है और किस सेक्शन में उसको पावर जो वो डेलीगेट की जाती है। तो अगर एक मैं पुलिस प्रीव्यू से देखूँ तो थाने में जो प्रमुख अन्वेषण करता होता है वो थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी होता है, SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन। उसको सेक्शन 156 CRPC में सकती हैं जो वो डेलीगेट की गई हैं, और अगर पुलिस नियम में देखा जाए तो 25(1) पुलिस नियम में बताया गया है। अब थाने में SHO के अलावा उसके सबोर्डिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होते हैं। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गए तो उन्हें सेक्शन 157 CRPC के तहत जो वो पावर डेलीगेट की होती है। इफ यू गो थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, द रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डेलीगेटेड द पावर टू ग्रेजुएट कॉन्स्टेबल ऑफ HP पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। इफ यू गो थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यू विल फाइंड ओवर देयर द रेफरेंस ऑफ 157 CRPC। अच्छा, थाने में अब SHO को पावर बताई मैंने, सबॉर्डिनेट को बताई। SHO के अलावा जितने भी सीनियर अधिकारी होंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे, उनको सेक्शन 36 CRPC के तहत जो वो इन्वेस्टिगेशन की पावर मिलती है। आपको बीवन में या किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि थाने में SHO को किस सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, या बाकी जो अन्वेषण अधिकारी होते हैं तो उनको किस सेक्शन के तहत अन्वेषण का जो अधिकार है, या जो सबोर्डिनेट अधिकारी होंगे उनको पुलिस नियम 25(2) और 157 के तहत, और सीनियर अधिकारियों को 36 CRPC के तहत जो वो पावर डेलीगेट होती है। तो ये छोटा सा लेक्चर था और आई होप यू विल गेट ए वेरी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।